सोलन में आशा वर्कर द्वारा अपनी मांगों को लेकर एडीएम विवेक चंदेल के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। आशा वर्कर कार्यकर्ताओं ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन पूरे देश में संचालित योजना में लगभग 12 लाख आशा वर्कर कार्यकर्ता कार्यरत हैं। इन आशा वर्कर कर्मियों द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी देने, उन्हें प्राथमिकता चिकित्सा प्रदान करने और आवश्यक सेवाओं के उपयोग के लिए परामर्श देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सोलन में आशा वर्कर द्वारा अपनी मांगों को लेकर एडीएम विवेक चंदेल के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। आशा वर्कर कार्यकर्ताओं ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन पूरे देश में संचालित योजना में लगभग 12 लाख आशा वर्कर कार्यकर्ता कार्यरत हैं। इन आशा वर्कर कर्मियों द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी देने, उन्हें प्राथमिकता चिकित्सा प्रदान करने और आवश्यक सेवाओं के उपयोग के लिए परामर्श देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उन कार्यों की एप्स में उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता है, बल्कि उक्त कार्य हेतु संचालित योजनाओं के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि जब से आशा कर्मियों ने देश में कार्य करना आरंभ किया है, जच्चा बच्चा की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। उपरोक्त कार्यों के अलावा आशा कार्यकर्ताओं से राज्य सरकारें अन्य कार्य भी संचालित करवाती हैं। हिमाचल प्रदेश आशा वर्कर्स संघ खंड सोलन की प्रधान मंजू देवी की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर एडीएम सोलन को ज्ञापन सौंपा और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आशा वर्कर कार्यकर्ताओं से जितने काम लिए जा रहे हैं उस तरह से उन्हें मानदेय नहीं मिलता और काफी समय से उनका शोषण किया जा रहा है, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हिमाचल में 7000 के करीब आशाएं हैं और हमारे इसका कोई टाइम नहीं है काम करने का। जब कभी बोला तो हमें काम करना पड़ता है और तो यही है हमारा प्रधानमंत्री जी से की निवेदन है कि हमें हमारी तरफ हम सारी आशाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।